हेलो फ्रेंड्स, सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिरव शेट्टी आप सबका वेलकम करता हूं। ऐतिहासिक फिल्म बनाना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होता। यू नो, एग्जैक्ट लोकेशन, डिक्शन, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, कंटिन्यूटी और सिनेमाटोग्राफी, इन सारे डिपार्टमेंट में खासा ध्यान देना पड़ता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा फेवरेट जॉनर अगर कोई है तो वो है हिस्टोरिकल फिल्म्स। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक्टर को टॉप स्लॉट में पहुंचना है तो उसे अपने करियर में एक बार ही सही मगर हिस्टोरिकल रोल्स ज़रूर करना चाहिए। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। कभी एक्टर्स अपने खराब परफॉर्मेंस से फिल्म देखने का मज़ा किरकिरा करते हैं, तो कभी कभी एक्टर इस कदर निभा लेते हैं कि दे लिटरली ओन दैट रोल्स। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने हिस्टोरिकल रोल्स में अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सिनेवंशी टू गेट मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन पर टाई है बिटवीन टू स्टॉलवर्ट्स, धारा सिंह एंड प्रवीण कुमार। इंडियन सिनेमा और टेलीविजन में कई अभिनेता आए और गए जिन्होंने हनुमान और भीम का आइकॉनिक रोल्स निभाया, बट कोई भी धारा सिंह और प्रवीण कुमार के आसपास भी नहीं आया। इन दोनों की ही पर्सनैलिटी और डील डॉल इस रोल के लिए उन्हें परफेक्ट बनाती है। अ बिग सैल्यूट टू अवर मैन ऑफ स्टील धारा सिंह जी एंड आयरन मैन प्रवीण कुमार। नंबर दो पर है पृथ्वीराज कपूर जी। बॉलीवुड की सबसे पावरफुल और पॉपुलर फैमिलीज में से एक कपूर फैमिली के जनक है पृथ्वीराज कपूर जी। इन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉर्न दर्शक फिल्म मुगले आजम से पहचानते हैं। पृथ्वीराज कपूर जी की वॉइस, हाइट और पर्सनैलिटी उन्हें शहनशाह अकबर के किरदार में एकदम परफेक्ट बनाती है। क्या परफॉर्मेंस, क्या म्यूजिक! पृथ्वीराज कपूर ने मुगले आजम में इस तरह बेहतरीन एक्टिंग की है कि कोई भी उनके आसपास नहीं आता। ही लिटरली ओवरशैडोड दिलीप कुमार एंड मधुबाला इन दिस फिल्म। नंबर तीन पर है मनोज कुमार जी फॉर हिज रोल एज भगत सिंह। 90s के दर्शक भगत सिंह के रोल में अगर किसी को याद करते तो वो है या तो अजय देवगन को या बॉबी देओल को। मगर बॉलीवुड हिस्ट्री में अगर किसी ने भगत सिंह के किरदार को एकदम परफेक्टली निभाया है तो वो है अवर वेरी ओन भारत कुमार, एके है मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी ने अपने करियर की शुरुआत रोमांटिक फिल्मों से की, मगर उन्हें सही पहचान मिली देशभक्ति वाली फिल्मों से। शहीद इसकी पहली शुरुआत थी। 1964 में आई फिल्म शहीद में मनोज कुमार ने एज भगत सिंह काफ़ी बढ़िया काम किया। फिल्म में सुखदेव बने थे प्रेम चोपड़ा जी, जिन्होंने आगे बॉलीवुड में एज अ विलन खूब नाम कमाया। मगर मनोज कुमार जी की इंटेंसिटी को मैच करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर फोर पर है प्रियंका चोपड़ा जोनस एज काशीबाई इन बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म के बारे में क्या ही कहना। इस फिल्म ने सभी का करियर बनाया, फिर चाहे वो रणवीर सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, प्रियंका चोपड़ा जोनस हो या संजय लीला भंसाली ही क्यों ना हो। मगर प्रियंका चोपड़ा जोनस के अभिनय का क्या ही कहना। जो दर्द काशीबाई की आंखों में और उनकी डायलॉग डिलीवरी में नज़र आना चाहिए, प्रियंका ने उसे बखूबी उतारा। टीम सिनेवंशी का ये मानना है कि प्रियंका सब पर भारी पड़ी। उस वर्ष फिल्मफेयर अवार्ड्स में भी प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, एंड शी राइटफुली डिजर्व इट। नंबर पांच पर है दीपिका पादुकोण इन पद्मावत। बाजीराव मस्तानी के हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद दीपिका रणवीर और संजय लीला बंसाली की तिकड़ी लेकर आई पद्मावत इन द ईयर 2018 में। दीपिका इस फिल्म में जो कमाल की दिखी है और जो कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। स्पेशली क्लाइमैक्स सीन, जो उनकी आंखों में रानी का दर्द, वो जौहर से पहले वो वाला सीन था, वो आज भी कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है।
बिना डायलॉग्स के ही दीपिका ने जो अपनी आंखों में दर्द जो उनके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा था फिल्म के लास्ट सीन में, वो गजब का था। खैर उस साल दीपिका पादुकोण की जगह आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बट दीपिका इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ आलिया अकॉर्डिंग टू टीम सिनेवंशी। आरआरआर फिल्म के बारे में कहना ही क्या, जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा दोनों ने ही अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी थी। बट रामचरण तेजा एज अल्लूरी सीताराम राजू वॉज एक्सेप्शनल। कसम से थिएटर्स तालियों से गूंज उठा जब रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू के गेटअप में आए थे। रामम राघवम रणधीरम ये गाना मुझे आज भी काफ़ी गूजबम्स देता है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो आरआरआर वाज अ सेमी हिस्टोरिकल फिक्शन विद अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमराम भीम, और इसमें कई सारे सिमिलैरिटीज़ है विद द ग्रेट हिंदू एपिक रामायण। मगर एसएस राजामौली की डायरेक्शन, उनके पिता के विजेंद्र प्रसाद की कलम से निकली हुई इस फिल्म ने सभी को इम्प्रेस कर दिया। इन शॉर्ट आरआरआर इंडियन सिनेमा की एक मास्टरपीस फिल्म है जिसे सालों तक याद किया जाएगा। नंबर 7 पर है बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसोनजीत चैटर्जी। प्रसोनजीत ने 1990 से लेकर 2010 तक बंगाली सिनेमा पर राज किया। बिस्वजीत के बेटे प्रसोनजीत ने अपने पिता की लेगेसी को काफ़ी आगे लेकर गए, स्पेशली बंगाली सिनेमा में तो उन्होंने खूब नाम किया। मगर जब कभी भी हिंदी सिनेमा में उन्होंने अच्छे रोल्स किए, लोगों ने उनकी तारीफ ही की। मैं बात करना चाहूँगा 2018 में आई फिल्म गुमनामी की। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस के रोल कई एक्टर्स ने निभाया, मगर प्रसोनजीत चैटर्जी जैसा कोई नहीं था। एंड आई मस्ट टेल यू ही वॉज बेटर देन ऑल द अदर एक्टर्स हु प्लेड सुभाष चंद्र बोस ऑन फिल्म्स, टेलीविजन और ऑन वेब सीरीज। अ ग्रेट हैट्स ऑफ टू प्रसोनजीत चैटर्जी फॉर दिस फिल्म गुमनामी। नंबर 8 पर है देव पटेल एज श्रीनिवास रामानुजन इन द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में। देव पटेल ने इस फिल्म में रामानुजन के कैरेक्टर में जो इंटेंसिटी, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज दिखाया, वो गजब का था। मैं आज भी इस फिल्म को कभी भी रिविजिट करना चाहूँगा और मैं अक्सर करता रहता हूँ। इस फिल्म में देव पटेल ने एज रामानुजन बढ़िया रोल निभाया। नंबर 9 पर है परेश रावल इन केतन मेहता सरदार। 90s की एरा में परेश रावल ने ज्यादातर फिल्मों में विलन के रोल निभाए। हाँ, फिल्म्स लाइक अंदाज अपना अपना मोहरा और हसीना मान जाएगी में वो कॉमिक रोल्स में नजर आए थे। इसी बीच आई थी केतन मेहता की फिल्म सरदार। इस फिल्म में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का टाइटुलर रोल निभाया। उनकी गेटअप, उनका मैनरिज्म, सब कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलता जुलता था। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स ऑफ परेश रावल एंड केतन मेहता। वी हाईली रेकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। 2013 में भाग मिल्खा भाग आई थी। ये बॉलीवुड की कुछ बेस्ट बायोपिक्स में से एक है। आई स्टिल रिमेम्बर मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था जब ये महान फिल्म रिलीज हुई थी। फरहान अख्तर ने इस फिल्म के लिए जो मेहनत की वो स्क्रीन पर साफ तौर पर नज़र आता है। फरहान अख्तर की जन्म और परवरिश जुहू जैसे मुंबई के पॉश लोकेलिटी में हुई, मगर फरहान अख्तर ने डायलॉग्स में जाहिर होने नहीं दिया और अपनी पंजाबी लहजे को अच्छी तरह से मेंटेन किया फिल्म में और पूरी तरह से इस रोल के साथ इंसाफ किया। डेफिनेटली उस वर्ष फिल्मफेयर अवार्ड में फरहान अख्तर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंड ही राइटफुली डिजर्व इट। तो ये था मेरा वीडियो उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपने हिस्टोरिकल रोल्स को ना सिर्फ पर्दे पर जिया मगर पूरी तरह से अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप सिनेवंशी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा फेसबुक और मेरे चैनल का फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।